जय श्री कृष्णा। आज जो मैं आपको सिर्फ दो चीज़ों से मिठाई की रेसिपी बताने वाली हूँ, इसे बनाने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ये ऑथेंटिक बंगाली संदेश है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। अब इसमें हमें 4 कप यानी 1 लीटर दूध को उबालने के लिए रख देना है। यहाँ पर मैंने गाय का दूध लिया है, चाहे तो आप कोई भी पैकेट वाला दूध ले सकते हैं या फिर भैंस का दूध भी ले सकते हैं। तो बेसिकली हमें ना दूध को फाड़ के उसका छेना बना लेना है। इस मिठाई के लिए फ्रेश छेना का यूज़ किया जाता है। दूध में एक उबाल आया है तो अब मैं चूल्हे को कर लेती हूँ बंद। अब दूध को फाड़ने के लिए यहाँ पर मैंने सफ़ेद सिरका यानी विनेगर लिया है। 2 चम्मच इतना विनेगर लेना है। कभी भी विनेगर को डायरेक्टली यूज़ मत करें, उसमें पानी डालकर अच्छे से डाइल्यूट करके ही हमें दूध को फाड़ने के लिए यूज़ करना है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके विनेगर का पानी डालेंगे, जिससे दूध है वो धीरे धीरे फटने लगेगा। विनेगर की जगह ना आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। अब बचा हुआ सारा विनेगर का पानी है वो डालेंगे इसमें। कभी कभार दूध जल्दी नहीं फटता है तो आप ना फिर से इसे चूल्हे पर रख दें, जिससे दूध है वो धीरे धीरे फटना स्टार्ट होता है। देखिए इसमें अच्छे से कर्डस बन गए हैं, तो छेना है वो सॉफ्ट ही रहना चाहिए। अभी इसे हमें छान लेना है। छन्नी में इस तरह से कोई साफ कपड़ा है वो रखेंगे और केयरफुली छेना को इसमें डालेंगे। इसमें हम पानी डालेंगे, इससे जो विनेगर का खट्टापन रहता है ना वो भी निकल जाता है। और दूसरी बात ये कि छेना जो है वो अभी गर्म है तो उसका जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो कम होता है। इसे अच्छी तरह से निचोड़ लेना है ताकि इसमें से जो अतिरिक्त पानी है वो निकल जाएगा। तो इसे हम तकरीबन 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। 20 मिनट्स के बाद छेना को मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। अब ना हमें हल्के हाथों से छेना को अच्छे से सॉफ्ट करना है, मतलब इसमें कोई भी दानेदारपन नहीं चाहिए। जितना सॉफ्ट छेना होगा उतना अच्छा होता है। बस ध्यान ये रखें कि इसे हमें ओवर नीट नहीं करना है, नहीं तो क्या होता है इसमें से जो फैट्स है वो निकलना स्टार्ट होंगे। बस हल्के हाथों से इसे मसलते रहिए। इसमें पिसी हुई चीनी पाउडर मिलाएंगे, तो 3 बड़े चम्मच इसमें डाल रही हूँ। आप ना संदेश को कई फ्लेवर्स में बना सकते हैं, जैसे कि केसर फ्लेवर का, रोज़ फ्लेवर या सिंपल इलायची फ्लेवर का भी। बस मैं थोड़ी सी ही इलायची पाउडर मिला रही हूँ। तो हमें क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। पीसी हुई चीनी मिलाने के बाद ना ये थोड़े थोड़े पानी छोड़ने लगेगा, तो हमें इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। तो ये देखिए अच्छे से बाइंड हो चुका है, तो इसे ना हम बस 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। यहाँ पर मैंने छेने को अच्छे से मैश किया था, तो हमें इसे और मैश करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें से जो थोड़ा सा भी मॉइस्चर हो वो इवेपोरेट होना चाहिए। बस 1-2 मिनट के लिए पकाना है। कभी कभार ना दूध फट जाता है, तो आप ना इस तरह से फटे हुए दूध से इस तरह से मिठाई बना सकते हैं। तो देखिए ये रेडी है, तो इसे ना मैं निकाल कर बस 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। इसका टेक्सचर बहुत ही मुलायम है, तो चलिए फटाफट इसके बॉल्स बना लेते हैं। इसे ना आप पेड़े जैसे भी बना सकते हैं या फिर जैसे आपको चाहिए आप वैसे बनाइए। बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो घर पे इस तरह से कम सामग्री का यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से ये मिठाई बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाती है मिठाई। देखिए बंगाली संदेश मिठाई रेडी है। अब इसके ऊपर ना केसर वाला जो दूध है उसे मैं थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ, और कुछ महीन कटे हुए पिस्ता से गार्निश करेंगे। अगर आपको भी बंगाली संदेश पसंद है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।